अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली फॉर यू। अली फॉर यू में खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अली भट्टी। तो व्यूवर्स, आज के एक छोटे से टॉपिक इन्फॉर्मेशन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आई थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट, तो अगर किसी के पास भी J6 है तो वो अभी जो है अपना मोबाइल उठाए और सबसे पहले अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक कर ले कि उनके पास भी आई है कि सॉफ्टवेयर अपडेट की। तो इस सॉफ्टवेयर अपडेट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं व्हाट्स न्यू पर कि आपको एक नया फीचर दिया जा रहा है कैमरा में, AR इमोजी। ये वही सॉफ्टवेयर है, ये वही AR इमोजी है जो कि S8 S9 में सैमसंग मोबाइल ने अक्सर लॉन्च किया हुआ था पहले से ही। तो मैं इसे अपडेट कर ही रहा था कि अचानक मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना वीडियो बना लूं और उसके बाद आपको थोड़ी सी मोटिवेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी। अगर आपके पास भी सैमसंग J6 है तो आप उसको अपडेट कर लें तो आपके पास भी AR इमोजी आ जाएगा। तो AR इमोजी होता क्या है दोस्तों, जब भी आप अपडेट कर लेंगे अपने मोबाइल में तो AR इमोजी का ऑप्शन आपके कैमरा में आ जाएगा। तो आप जैसे ही कैमरा फंक्शन में जाएंगे तो उसके बाद आपके पास यूँ ऊपर एक स्लाइड की तरह आएगा। मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा या पिक्चर्स वगैरह में आपको दिखा दूंगा अभी। तो इस तरीके से आप जो है अपना इमोजी तैयार कर सकते हैं आप अपने फेस से, यानी कि आप उसमें 3D की तरह होंगे, आप खुद को 3D की तरह देखेंगे उसमें। अगर आपके पास भी सैमसंग J6 है तो अभी आप चेक कर सकते हैं। ये अभी मेरे पास अपडेट आई और जैसे ही आपको पता है अपडेट मेरे पास आती है मैं उसी टाइम पर इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो इसको आप अपडेट कर लेते हैं। दोस्तों ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको ये इमोजी फंक्शन चला के भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब ये मैं वीडियो बना रहा था तो उस वक्त ये सेल फोन ऑफ हो गया था और अपडेट पे चला गया था। तो ये उस वक्त की वीडियो है, तो ये जैसे ही ऑन होगा उसके बाद आपको वापस स्क्रीन पर वीडियो पर मिलते हैं। वेलकम टू होम स्क्रीन। तो हम वापस स्क्रीन पर आ गए हैं और अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो अपडेट हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसमें अपडेट में तकरीबन 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, तो आपको वेट करना है 5 से 10 मिनट। जब ये अपडेट हो जाए कंप्लीट तो उसी के बाद आप अपना फंक्शन जो भी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कैमरा में और चेक करते हैं फंक्शन। जी तो ये रहा हमारा AR इमोजी। दोस्तों अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले ये ऑप्शन आता है हमारे पास, तो हम पहले सेल्फी पर आ जाते हैं। उसके बाद हम AR इमोजी पर आ जाते हैं। उसके बाद क्रिएट इमोजी। दोस्तों ये जो क्रिएट इमोजी है यहाँ पर आपको आना है। दोस्तों इसके लिए आपको ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल में, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक हमारी इमोजी किस तरह से आएगी, तो ये एक हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं कुछ, तो ये आप देख लें। फॉर अ बेस्ट रिजल्ट क्लियर ग्लासेस एंड हेयर्स। तो हमें बिल्कुल क्लियर शो करना है, कैमरा हमारे पास बिल्कुल साफ़ हो, और सबसे बेहतर ये है कि जितनी लाइटिंग हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छी कवर करेगा पिक्चर। उसके बाद इस तरह से हमारी इमोजीज बन जाएगी। दोस्तों ये एप्लीकेशन 145 MB की है, यानी कि 145 MB की ये एक एप्लीकेशन है, माई इमोजी मेकर। तो इसे आपने लाजमी इंस्टॉल करना है वरना आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है वो आपके पास ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मेन जो AR इमोजी का ऑप्शन था जो क्रिएट इमोजी है वो आपको एलिजिबल अभी हुआ है, तो आप इस एप्लीकेशन को उसके बाद ही यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये
एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता जा रहा हूँ। दोस्तों अब आपको बैक आ जाना है डायरेक्ट कैमरा पर, तो हम कैमरा पे चलते हैं। तो अभी हम कैमरा पर आ गए हैं और उसके बाद हम क्रिएट, ये जो लिखा हुआ है क्रिएट माय इमोजी, तो हमें यहाँ पर जाना है, इसे अलाउ करना है। ये तो दोस्तों हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है। तो अब हम अपनी एक पिक्चर कैप्चर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे कि लिखा हुआ है कि फोर पेस रिजल्ट रिमो ग्लासेस एंड क्लियर अवे हेयर, तो आपको ग्लासेस वगैरह नहीं पहनना जब आप पिक्चर निकालें, और आप अपना फेस क्लियर रखें इस पर, और किसी जहाँ पर काफ़ी लाइटिंग वगैरह हो ऐसी जगह पर आप पिक्चर निकालें। तो चलते हैं आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं पिक्चर कैप्चर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों पिक्चर मैंने कैप्चर कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि आप मेल हैं फीमेल हैं, तो मैं डायरेक्ट से ऐसे बात है यहाँ पर ही क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर प्रेस करना है। सिंपली ये प्रोसेस अपना कंप्लीट कर रहा है, कुछ क्रिएट 3D मास्क। जी तो मुझे बना दिया गया है 3D में। अब मैं इसे चेक करता हूँ कौन से ऑप्शन दिए गए हैं मुझे। मैं थोड़ा थोड़ा सा लग रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। तो वापस हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, और उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। जी तो मेरा फेस आप देख सकते हैं, मेरा फेस माशाल्लाह अल्लाह ने अच्छा बनाया है। तो ये जो सैमसंग वाले बना रहे हैं ये मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा। अगर दाढ़ी दे देते तो शायद मैं एडजस्ट कर लेता। ये देखें ऊपर आ रहा है, शायद मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उम्मीद लगा सकता हूँ इनमें कि सैमसंग वाले आगे चल के इसमें दाढ़ी का ऑप्शन भी दे दें। या अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि दाढ़ी का ऑप्शन कहाँ पर है। सो ये एक थोड़ी सी अपडेट आपको देनी थी, जो कि उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।